वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सिमांटिक नेट का एक वेरिएशन पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्टीशन सिमांटिक नेट। अब ये पार्टीशन सिमांटिक नेट की क्यों हमें जरूरत लगी, इसको पहले समझने के लिए हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। लेकिन हम ये बता दें कि पार्टीशन वर्ड का मतलब यही होता है कि जो चीज आपको लग रही है कि जिसको आप पार्टीशन करके रख सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल पार्टीशन। तो पार्टीशनिंग करने का मतलब ये कि आप क्वांटिफाई तो कर नहीं सकते, तो एक सिंपल सा तरीका था कि कभी भी सिमांटिक नेट को क्वांटिफाई करना था किसी एक्सप्रेशन से, तो आप उसको पार्टीशन कर दीजिए। मतलब ऐसा था कि कोई स्टेटमेंट है जो कि फॉर ऑल या फॉर एवरीवन या फॉर एवरीबॉडी लिखा जा रहा है, तो उसमें दिक्कत होती थी। तो उसमें दिक्कत होने के लिए हमने क्या करा, उसको टुकड़ों में तोड़ना चालू कर दिया, और वो जो एक पर्टिकुलर टुकड़ा था जो सब पे अप्लाई होता था, उसके लिए हम जनरल स्टेटमेंट बना दिया करते थे। मैं इसको एग्जाम्पल को देने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हैं, मैं इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूं। और पहला स्टेटमेंट है द डॉग बाइट अ मेल करियर। मतलब एक कुत्ता है और एक मेल करियर है, और जिस एक मेल करियर को एक डॉग ने काट लिया। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि डी जो है वो, मैं बोल देता हूं कि डी इज अ डॉग, सिंपल से लफ्जों में। ठीक है, एक्शन क्या परफॉर्म हुआ है, एक्शन क्या परफॉर्म हुआ है, बाइट करना। तो बी को मैं बोल देता हूं इज अ, क्या है एक्शन, क्या है बाइट। ठीक है, और यहां पे विक्टिम कौन है, किसको काटा गया है, किसको काटा गया है, मैं लिख देता हूं उसको एम नाम दे देता हूं। तो यहां पे एम नाम दिया, तो ये इज अ मेल करियर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जहां पे अब स्टेटमेंट को मैं चेंज कर रहा हूं, लिखा ये जाएगा एवरी डॉग हैज बिटन द एवरी मेल करियर। मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा जाएगा तो क्या करेंगे, मतलब जितने सारे डॉग्स थे, जितने सारे कुत्ते थे, वो सारे के सारे कुत्तों ने सारे मेल करियर्स को काट लिया। अब इसमें इतने स्टेटमेंट के अंदर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जो जिसने करा है वो कौन है, वो डॉग्स हैं। ठीक है ना, तो डॉग्स को असाइलेंट बोलते हैं, जो कि ये वारदात जिनने करी है, और जो बेचारे पीड़ित होंगे वो विक्टिम कौन होंगे, मेल करियर्स। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये जो सिमांटिक नेट है ना, दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर वन डॉग एंड वन मेल करियर। मतलब देयर इज वन डॉग जिसने काट लिया, किसको, एक मेल करियर को काट लिया। लेकिन अब हमारे पास समस्या क्या आन पड़ी कि हमें इसमें कौन सी ऐसी जुगाड़ लगाई जाए या कैसे इसको समझाया जाए कि हम ये स्टेटमेंट सबके लिए दे रहे हैं। तो बहुत आसान है इसको करना, बेहद आसान है। कभी ऐसा हो तो आपको एक जी नाम का जनरल स्टेटमेंट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टेटमेंट नंबर टू का जवाब दे रहा हूं मैं, और जी जो है वो क्या है, इज अ जनरल स्टेटमेंट, इसको लिया जीएस। उसके बाद यहां पे ये जिस चीजों पे अप्लाई हो रहा है, तो ये सारे डॉग्स, सारे मेल करियर्स पे अप्लाई हो रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर ऑल, और यहां पे लिखूंगा फॉर्म। मतलब ये जो जनरल स्टेटमेंट है, ये फॉर ऑल द डॉग्स एंड फॉर ऑल द मेल करियर्स, और ये जो चीज है, ये जो बॉक्स लिखा है, इस बॉक्स के दायरे के अंदर अगर आपने फॉर्म लिखा है, विच मींस कि ये जनरल स्टेटमेंट डी बी और एम तीनों पे अप्लाई होता है। अब मान लीजिए इसकी जगह मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, इंप्रोवाइज करता हूं। अगर ऐसा लिखा होता कि एवरी डॉग हैज बाइट अ मेल करियर, मतलब सिंगल मेल करियर होता, तो ये जो बॉक्स है वो मैं यहीं तक बनाता सिर्फ। मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के जनरल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, आग बंद करके नहीं करना। जैसा जनरल स्टेटमेंट लिखा हो, अगर वो सब पे अप्लाई हो रहा है तो सब पे, और अगर वो कुछ पे, मतलब एक आध पे अप्लाई हो रहा हो, तो उतना ही जितना अप्लाई हो रहा हो। तो जनरल स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, और जनरल स्टेटमेंट यूज करने के बाद आप पार्टीशनिंग सिमांटिक नेट, मतलब आपने क्या कर दिया, उसको दो दायरे बना दिए अलग अलग, और पार्टीशन कर दिया कि यहां से जैसे मान लीजिए मैं लकीर खींच देता, तो ये क्या हो जाता कि सारे के सारे डॉग किसी एक मेल करियर को काट रहे हैं, तो पार्टीशनिंग करना आसान पड़ता मुझे। तो ये था पार्टीशनिंग सिमांटिक नेट, जिसके अंदर आप अलग अलग स्पेसेस बना देते हो अलग अलग बातों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।